करते हैं, रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज लेकर ही अपना कर्जा चुकता कर रहा है। पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो चीन का जिस तरीके से वो कहता है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन चीन से कर्ज लेकर वो सऊदी अरब को चुका रहा है, यानी कर्ज लेकर कर्ज को चुकाया जा रहा है। हम आपको लगातार खबर बता रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब की किश्त चुकाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है पाकिस्तान, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब की किस्त चुकाई गई है और पाकिस्तान को अभी $2 अरब सऊदी अरब को देने बाकी है। बड़ी जानकारी, क्योंकि पाक जब दिवालिया घोषित होने वाला था तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सऊदी अरब को उसका पैसा लौटा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लेकिन चीन से अब वो मदद ले रहा है, चीन से कर्जा लेकर अपना कर्ज चुकाने में इस वक्त पाकिस्तान लगा हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, पीओके की कई परियोजनाओं में पैसा इस वक्त चीन लगा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान चीन से कर्ज लेकर कर्ज अपना चुकता कर रहा है, सऊदी अरब को कर्ज दे रहा है जो उसने लिया था जब पाकिस्तान दिवालिया घोषित होने वाला था। तकरीबन चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब की किस्त चुकाई जा चुकी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है वो दुनिया के सामने है, क्योंकि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान में कई परियोजना जो चल रही है उसमें चीन पैसा अपना लगा रहा है, यानी कर्ज तले अब दब रहा है चीन के पाकिस्तान, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान पर एक तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, और जब तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा, वो कश्मीर कश्मीर राग अलाप रहा था, तब OIC ने भी कोई जिस तरीके से मदद नहीं की, और OIC की तरफ से जो बैठक बुलाने की बात वो कर रहा था पाकिस्तान, उसकी तरफ से भी कोई इशारा नहीं दिया गया, तो बौखलाया भी पाकिस्तान सऊदी अरब पर। लेकिन सऊदी अरब को कर्ज वो चीन से लेकर कर्ज चुका रहा है, यानी साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है पाकिस्तान। इशफाक गैर हमारे सीनियर साथी और एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, आपको तमाम जानकारी देंगे कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है, पूरा हाथ पाकिस्तान के ऊपर चीन रखे हुए है, लेकिन कर्ज और कर्ज का क्या कुछ मामला है, सीधे इशफाक के पास चलते हैं। इशफाक जरा समझाइएगा, क्योंकि कर्ज लेकर कर्ज पाकिस्तान चुकाने में लगा हुआ है, और अब तक कितने डॉलर दे चुका है पाकिस्तान सऊदी अरब को? देखिए, सऊदी अरब से $3 बिलियन जो है वो लिया था कर्जा पाकिस्तान ने, और शायद इमरान खान को उस वक्त इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि इतनी जल्दी से एक रिकवरी की लेटर आएगी सऊदी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान ये कर्जा वापस करे। और हमारे दर्शकों को वो दृश्य भी याद होंगे जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान के अंदर खुद ही इमरान खान ने गाड़ी ड्राइव की थी और ये एश्योर किया था कि देखिए हम दोनों एक हैं, क्योंकि आप जहाँ से हैं वो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसलिए हम आपको बड़े अदब से देखते हैं। और वो गाड़ी जब ड्राइव हुई थी तो वो वीडियोज़ और वो फोटोज़ जो काफ़ी वायरल हुए थे। लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार OIC को आड़े हाथों लिया गया और OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलानी चाहा, जिस पर सऊदी अरबिया ने ना कर दी, और महातिर मोहम्मद जब वो वहाँ पर चले गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने उस बात को दोहराया था कि देखिए OIC की लिमिट से बाहर भी OIC अपनी लिमिट्स में रहकर काम नहीं कर पा रहा है, और मुस्लिम देश जितने भी वो अब एक होकर OIC से बाहर भी आ सकते हैं। उसी दिन सऊदी अरबिया को ये खनक गया था कि अब सिचुएशन जो है वो अलग है और पाकिस्तान के नट बोल्ट्स को टाइट करने का वक्त आ गया है, और उन्होंने अपनी रिकवरी लेटर भेजी थी जिसमें $3 बिलियन में से 1/3 को वापस करना था, $1 बिलियन देना था, और ऑकवर्ड पोजिशन ना हो तो दोस्त ने
हाथ बढ़ाया, चीन आगे आया और उन्होंने $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने रिफंड वो कर दिया है सऊदी अरबिया में। तो लेकिन जब ये मामला चाइना की तरफ से है तो चाइना की अपनी विस्तारवादी नीतियां हैं, वो जहां ज़मीन हड़पने के माहिर हैं वहीं पर इकोनॉमी के ज़रिए से वो हर एक चीज़ पर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो यही वजह है कि जिस दिन ये रिफंड हुआ $1 बिलियन जिस दिन रिफंड हुआ उस दिन $6 बिलियन का काम भी पाकिस्तान के अंदर चाइना की फर्म को मिला है। जो $6 बिलियन का काम मिला है वो पिछले 2 साल से लटका हुआ मामला था। पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे है उसमें नई लाइनें बिछाना, रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करना, वो $6 बिलियन जो वो सारा चाइना की फर्म को गया है। और ये माना जा रहा कि ये गिव एंड टेक है, एक हाथ से चाइना ने दिया दूसरे हाथ से चाइना को $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो इस तरीके से ये सारी सिचुएशन जो है वो चली। बिल्कुल, लेकिन ये जरा समझाइएगा, पाकिस्तान को हम जब भी देखते हैं इस वक्त एक धर्म विशेष को टारगेट करता है और कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो इस्लामिक कंट्री हमारा पूरी तरीके से साथ देगा, लेकिन हम जब सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब ने हमेशा से सही का साथ दिया है। सऊदी अरब की जो नजदीकियां भारत के साथ आज मिली हुई हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खनक देखने को मिल रही है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चुभन होने लगी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरबिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, वो उसको नहीं छोड़ सकता है। और जिस तरीके से OIC के मामले पर इस वक्त दोनों देशों के बीच में टकराव है और मामला जम्मू कश्मीर का, आपको याद होगा कि शेख महमूद कुरैशी ने सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जम्मू कश्मीर के इशू पर नहीं बुलाते हैं तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि वो OIC के बाहर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स या उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाएं और मीटिंग करें। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाहर की बात थी शेख महमूद कुरैशी की, जिसकी वजह से अपने सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो ख़राब हुए हैं। और जहाँ तक सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया अभी एक उस फेज में आ चुका है जहाँ पर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना चाहता है और बड़ी चीज़ें वो तब्दील कर रहा है, जिसको लेकर विद इन और आउटसाइड उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आगे होगा क्या, वो यही है कि सऊदी अरबिया ने दूसरा डोजियर भी पाकिस्तान को सौंप दिया है शेख महमूद कुरैशी के इंटरव्यू के बाद कि अब जो दूसरी किस्त है वो आपने विद इन द 2 मंथ्स देनी होगी। अब ये देखना होगा कि जो एक और $1 बिलियन का कर्जा होगा वापस करना होगा ये कैसे चुकाएगा पाकिस्तान, कहां से वो हेल्पिंग हैंड आएगा, क्योंकि $1 बिलियन पहले ही चाइना दे चुका है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है इसका, ये जरा हमें समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान की तो पाकिस्तान लगातार चीन से कर्ज ले रहा है, चीन लगातार परियोजना में अपना पैसा लगा रहा है। अब ये बात इमरान खान साहब जानबूझकर नहीं समझ पा रहे हैं या इसे समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन की नीति क्या कुछ रही है। देखिए, चाइना के साथ उनके इकोनॉमिकल टाइज हैं, पॉलिटिकल टाइज हैं, और बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री टाइज भी पूरे हो गए हैं। मिलिट्री टाइज ऑलरेडी वहां पर थे, लेकिन अब एक नया जो फॉर्मूला वहां पर लिया गया है वो खुफिया सूचनाओं को एक दूसरे के देश को देना और हाईएस्ट चेयर पर जब मीटिंग होगी तो वहाँ पर एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव्स का होना ये तय पाया गया। और यही वजह है कि जब बीजिंग में पिछले दिनों हाईएस्ट रैंक की मीटिंग हुई थी जिसमें PLA के टॉप 4 लोग बैठे थे जो प्लानिंग करते हैं, उसमें आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो भी देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आ रही है और यही वजह है कि सिचुएशन जिस तरीके की बनी हुई है इसमें पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक बड़ा हाथ जो है वो सिर्फ चाइना का है और चाइना को वो छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये चीज़ें पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता है, और यही आवाज़ जो है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से है कि हमारी जो सॉवरेंटी है और जो हमारा इंडिजीनियस मूवमेंट था वो ख़त्म हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इश्फाक तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, पूरी तरीके से अपडेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज लेकर ही कर्ज को चुका रहा है और पूरी जानकारी इश्फाक द्वारा आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि भारत और चीन के संबंधों के बीच जिस तरीके से तल्खियां हैं और LAC पर जिस तरीके से पिछले दिनों से हालात देखने को मिल रही है, लगातार बातचीत की प्रक्रिया जारी है। कूटनीतिक वार्ता की जब हम बात करते हैं, कूटनीतिक वार्ता लगातार जारी है, लेकिन आज एक बार फिर बातचीत का दौर आया।
क्योंकि सैन्य कमांडर लेवल की जहां तक हम बातचीत करते हैं तो सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत लगातार जारी रही। लेकिन अब जब हम बात करेंगे तो आज दौलत बेग ओल्डिन में लगातार बातचीत की प्रक्रिया जारी है और ये जब हम बात करते हैं तो मेजर जनरल स्तर की वार्ता हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सीमा विवाद पर लगातार चर्चा हो रही है और मेजर जनरल स्तर की वार्ता ये चल रही है, यानी बातचीत चल रही है दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में। मेजर जनरल स्तर की बातचीत अभी चल रही है और सैन्य स्तर पर वार्ता का दौर लगातार जारी रहा। बेनतीजा भी हम कह सकते हैं कि कई दिनों से बातचीत का जो दौर चल रहा था वो कहीं ना कहीं बेनतीजा भी साबित हुआ। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं क्योंकि भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत अभी चल रही है, वार्ता लगातार जारी है और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में मेजर जनरल स्तर की बातचीत अभी भी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की अभी बैठक लगातार चल रही है और कूटनीतिक वार्ता की बात करें तो लगातार कूटनीतिक वार्ता जारी रही और एक बार फिर आपको बता दें कि सीमा विवाद पर लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच आज भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता लगातार हो रही है। इस बीच दिनेश नैन साहब रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश नैन साहब। लेकिन जो लगातार हम बातचीत की प्रक्रिया देख रहे हैं क्योंकि चीन की जब हम बात करते हैं वो कहता है कि आप टेबल पे आ जाइए, टेबल पे जब बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं तो पीछे से वो ऐसी हरकत कर देता है जो हमेशा से इतिहास में भी देखने को मिली है चीन की चालाकी, और चीन अपनी चालाकी लगातार करते आ रहा है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है इसका क्या नतीजा देखने को मिल सकता है दिनेश नैन साहब? मुझे नहीं लगता है कि चीन कोई सीरियस है आज की मीटिंग के अंदर। बिल्कुल देखिए, चीन जो है वो सिर्फ टाइम गेन कर रहा है जी, और इस पूरे टाइम गेन करने के अंदर यानी जो वक्त को वक्त ले रहा है वो अपने आप को भारत के ऊपर एक ध्वस जमाने के लिए जी अपनी पूरी सेना को सिंजियांग प्रोविंस से लेकर के, जो सिंजियांग का क्षेत्र है जी, वहां से लेकर के और पूरा पूर्वी लद्दाख तक ये लगभग 50,000 सैनिक इकट्ठे कर चुका है। बिल्कुल। दूसरा जो इसका एक सबसे नजदीकी यानी लद्दाख से करीब ये लगा लीजिए 600 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल एक कसगर करके जो एयरपोर्ट है जी, उस एयरपोर्ट के ऊपर इसने अपने हवाई जहाज खड़े कर रखे हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि दो हवाई जहाज जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले सकते हैं बॉम्बर, बिल्कुल वो पूरी मिसाइल्स के साथ तैनात किए हुए जी। अब इन्होंने एक नई फरमाइश रखी थी पहले 2-4 दिन पहले, बिल्कुल बिल्कुल, कि भारत जो है फिंगर 3 से पीछे हटे जी तो हम फिंगर 5 से पीछे हटेंगे। बिल्कुल, ये यथास्थिति की बात नहीं है। यथास्थिति ये थी कि भारत अप्रैल के महीने में फिंगर 3 तक था जी, और चीन फिंगर 8 से अलग था जी, यानी जो बफर जोन था दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो था फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, बिल्कुल, और फिंगर 8 के उस तरफ जाकर के चीन था जी। अब चीन जाके बैठ गया है फिंगर 4 से फिंगर 5 पे। बिल्कुल, लेकिन बात समझने की ये है कि अगर भारत फिंगर 3 से पीछे हटता है फिंगर 8 पर तो पूरा का पूरा जो पोंगांगसू लेक है, पोंगांगसू लेक जी, जो कि भारत के अंदर 30% से ज्यादा भारत के क्षेत्र में आता है, बिल्कुल चीन की नगर उस पर है। बिल्कुल, ये चाल चलने की कोशिश कर रहा है, ये तो चीन की चाल हमेशा से रही है ना कि दो कदम आप आगे आ जाइए फिर एक कदम पीछे हट जाइए और कह देते हैं कि हम पीछे हट चुके हैं, यानी ये रणनीति का उसका हिस्सा रहा है। और सेतुला एयरबेस की जो हमने तस्वीरें देखी सैटेलाइट के माध्यम से किस तरीके से चीन चालाकी कर रहा है, सैटेलाइट की तस्वीर में बखूबी बयां होता है। देखिए जी, ये जो ये रणनीति चीन अपना रहा है ना जी, जी, ये रणनीति करी हिटलर की हुआ करती थी। बिल्कुल, और इस रणनीति को बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग रणनीति। बिल्कुल, यानी पहले तो आप किसी देश के जमीन के बारे में एक झूठा नक्शा बना दो जी, जब वो देश उसके बारे में आपके साथ ऑब्जेक्शन करे तो फिर अपने मीडिया के अंदर जो इनका खुद का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स वगैरह, बिल्कुल उसमें भौंकू बजा कर पूरी दुनिया में उसको एक विवाद बना दो, बिल्कुल बगैर मतलब के, और जब वो विवाद बन जाए तो राजनीतिक तरीके से या फिर मिलिट्री तरीके से जी उसके ऊपर हावी होकर उसके कब्जा कर लो। बिल्कुल, अब वही काम मिलिट्री तरीके से
बार बार चीन भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये चाहता है कि दुनिया का जो ध्यान है वो कोरोना से हट जाए, वो कोरोना से हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो कोरोना से हट जाए और हट जाए। और तो चलिए, दिनेश नयन हमारे साथ थे, रक्षा विशेषज्ञ, और पूरी बातचीत करें तो हम कोशिश करेंगे दोबारा एक बार जुड़ सकें और हम उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि बहुत अहम जानकारी वो दे रहे थे कि चीन किस तरीके से चालाकी करता आया है। हम कोशिश करेंगे दोबारा हमारे साथ जुड़ सकें, लेकिन तमाम जानकारी हम अपडेट आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि अभी लगातार बातचीत जनरल स्तर की वार्ता इस वक्त भी चल रही है। दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में मेजर जनरल स्तर की बातचीत लगातार चल रही है, और क्या रणनीति चीन अपनाता है, ये रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नयन जुड़े हुए थे। लगातार वो हम तक ये बात बता रहे थे कि इतिहास गवाह है किस तरीके से चीन अपनी चालाकी करता है। एक बार फिर जुड़ गए हैं दिनेश नयन, रक्षा विशेषज्ञ। दिनेश नयन साहब, हम लगातार चीन की चालाकी की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम चीन की बात करते हैं तो भारत किस तरीके से दुश्मन देशों को कड़ा जवाब देता है, ये चीन को अच्छे से पता है, क्योंकि 62 की स्थिति तो हम जानते हैं, लेकिन 1967 का वक्त इसलिए हम बार बार याद दिलाते हैं कि 1967 में जो हरकत उसने कोशिश की थी, हरकत करने की, उसका किस तरीके से जवाब दिया था, वो भाग खड़े हुए थे चीनी सैनिक। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 67 में क्या जवाब दिया या 62 में क्या जवाब दिया, हमें उस बात पे नहीं जाना है जी। आज हम क्या करने जा रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज चीन हमारे खिलाफ अपनी सेना को तैनात किए जा रहा है, बार बार बिल्कुल अपनी संख्या बढ़ा रहा है जी। अगर हमने अभी तैयारी नहीं की बिल्कुल, तो हम फिर बाद में उसका हर्जाना देते रहेंगे जी। लिहाजा हमें, अगर चीन वहां पे 50,000 सैनिक लेके गया है, तो हमें भी वहां पे 50,000 सैनिक बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट में लगाने हैं। बिल्कुल, और चीन को जो सर्दियां जो गुजरेंगी ना जी, इन सर्दियों के अंदर चीनी जो है ना, आपको मैं बताऊं, एक तो चीन के जितने भी सैनिक हैं ये अपने अपने माता पिता की सिंगल औलाद है। बिल्कुल, क्योंकि वहां रूल बनाया गया था एक ही औलाद होगी जी, तो ये बड़े पैंपरिंग किए हुए हैं, बड़ा उकसा करके पाला पोसा गया जी जी। तो सर्दियों में ये एसी मांगेंगे, सर्दियों में रह नहीं पाएंगे। भारतीय सेना तो हिमालय के अंदर जो है कैचिन से लेके और आप लगा लीजिए तिब्बत के या डोकलाम के इलाके तक जी, ये बिल्कुल सीजन है, वॉर सीजन सेना है। बिल्कुल, इनको नहीं चाहिए एसी, और ये ऐसा ठोकेंगे चीन को अगर संख्या ठीक रखेंगे। आप विश्वास कीजिए, चीन का जो ये दुनिया में सपना है ना कि हम अमेरिका का पीछे छोड़ के सबसे बड़ी ताकत बन गए दुनिया की, तो ये भारत के सामने लोग इनकी खिल्ली उड़ाएंगे फिर। बिल्कुल, यानी पीढ़ियां याद रखेगी दिनेश नयन जी इनकी, कि क्या भारत की तरफ से जवाब दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो दिनेश नयन साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि भारत का जवाब चीन को कितना भारी पड़ सकता है, ये चीन बखूबी जानता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सुशांत सिंह केस से जुड़ी हुई, और तमाम जानकारी हम आपको दे दी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है इस वक्त याचिका। सुशांत केस ने सीबीआई जांच को गलत बताया है, ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है, और बिहार सरकार को जांच का अधिकार नहीं है, ये भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पर कई तरीके से आरोप लगा डाले हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जब हम बात करते हैं तो रिया चक्रवर्ती से ईडी लगातार पूछताछ कल करती रही 9 घंटे के तकरीबन, और जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार की, तो अब बिहार सरकार नहीं महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची है तो कई तरह के आरोप भी मढ़े गए हैं। ये कहा गया है कि बिहार सरकार को जांच का कोई अधिकार नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है, और सुशांत केस ने सीबीआई जांच को पूरी तरीके से गलत करार दिया है। खैर, इस वक्त लगातार ईडी की पूछताछ रिया चक्रवर्ती के भाई से भी इस वक्त चल रही है, और तमाम अपडेट भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त सुशांत के इस मामले में चल क्या रहा है, क्योंकि बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो दोनों में इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक सुशांत केस की हम बात करते हैं, तो सुशांत केस में सीबीआई जांच को गलत बता रही है महाराष्ट्र सरकार, और सीबीआई इस वक्त जांच कर रही है, नए तरीके से एफआईआर को दर्ज किया गया है, रिया का पूरा परिवार उसको आरोपी बनाया गया है, आरोपी तरीके से जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है, ईडी की पूछताछ
एक तरफ लगातार जा रही है। और अगर बात करें रिया के भाई की, तो रिया के भाई से इस वक्त पूछताछ चल रही है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका लगाई गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगा दी गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये कहा गया है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच गलत है। और ये कहा गया है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच पूरी तरीके से गलत इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले जांच का अधिकार होना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही थी, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही थी, और उद्धव ठाकरे भी इससे पहले कहते हुए नजर आए कि क्या मुंबई पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है, तो सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों। लेकिन रार दोनों सरकार में बरकरार है, बिहार सरकार की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है और महाराष्ट्र सरकार ने एससी में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने लिखा है कि सुशांत केस में जो सीबीआई जांच हो रही है बिल्कुल गलत है पूरी तरीके से, और बिहार सरकार को जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया। रवि श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे गुलिस्तान न्यूज पर। रवि, जानकारी दीजिए क्या कुछ मिल रही है, क्योंकि बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार की जब बात करते हैं तो रार लगातार बरकरार है, और अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, एक बकायदा दायर की जाती है याचिका, उसमें लिखा जाता है कि सीबीआई जांच इस वक्त बिल्कुल गलत है, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। साथ ही भी कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार को ही अधिकार होना चाहिए कि वो सुशांत केस की जांच करे। रवि, बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया आई है सामने। आपको याद होगा इससे पहले हमने बिहार सरकार के उस हलफनामे को देखा था जिसमें लगातार गंभीर आरोप लगाए गए थे रिया चक्रवर्ती को, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की उस पूरे मामले में भूमिका है उस पर सवाल दागे गए थे। हालांकि अब महाराष्ट्र, जाहिर तौर पर स्वाभाविक है, जिस तरीके से हलफनामा दायर किया गया है, जिस तरीके से दलीलें रखी गई है, वो साफ है कि वो अगेंस्ट जाती है बिहार सरकार के। और पिछले दिनों हमने देखा था कैसे बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार पूरे आमने सामने थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक आईपीएस अफसर को बिहार सरकार के क्वारंटीन कर दिया था। तो जाहिर तौर पर इस पूरे क्लैश में अभी पूरा मामला कोर्ट में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन बातें इसमें बेहद महत्वपूर्ण है जो रखी गई, एक तो सीबीआई जांच पर ऐतराज, कहीं ना कहीं मन में टीज जरूर होगी क्योंकि ये पूरा मामला जो है घटा है मुंबई में, और क्योंकि मुंबई पुलिस का ये अधिकार, उन्हें ऐसा लगता है कि सीबीआई को देने का अधिकार उनका था, हालांकि सिफारिश हुई है बिहार सरकार की तरफ से, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में दलीलें दी गई हैं, और ये कहा गया है कि सीबीआई जांच तब तक सही नहीं थी जब तक मुंबई पुलिस सक्षम है और महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। इस बात को लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार बोल रहे थे, वो बात अलग है कि 45 दिन बीत जाने के बाद भी हमने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, नए नए एंगल सामने आए हैं और इस पूरे मामले में तकरार देखने को मिली है। तो कुल जमा देखें इस पूरे मामले को, तो अब एक तरीके से ये फॉर्मेलिटीज है जो करनी होगी क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया था, तो उसी का ये पूरा हिस्सा है। बिल्कुल रवि, लेकिन अब बताइएगा ईडी की क्या प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, क्योंकि जहां तक कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ 9 घंटे तक चली है, कई सारे तथ्य उसमें सामने आए हैं, सवालों के बौछार थे, आप भी लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, क्या अब रिया के भाई से पूछताछ चल रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ से भी पूछताछ होनी थी, क्या कुछ जानकारी उस बारे में भी? बिल्कुल, आज खबर आई थी कि सिद्धार्थ पठानी को से भी पूछताछ होगी, और कल हमने देखा था तकरीबन 9 घंटे पूछताछ हुई, और उसमें ना केवल रिया चक्रवर्ती से बल्कि श्रुति मोदी जो हाउस मैनेजर हैं उनसे पूछताछ हुई, अब तक उनके जो भाई है उनसे पूछताछ हुई है, सौविक चक्रवर्ती, स्मैनुअल मिरांडा जो है हाउस मैनेजर उनसे पूछताछ हुई है, और अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये है कि अभी पूरा मामला दिशा सालियान जो कि मैनेजर थी एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो उसको लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबके बीच एक बयान जो दिशा सालियान के माता पिता की तरफ से बताया गया है वो जरूरी है बताना, क्योंकि ये अपील है, अपील माता पिता की तरफ से ये है कि बेटी को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, बेटी दुनिया में नहीं रही। तो हमें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत से इतर इन पीड़ित माँ बाप की भी बात हमको दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जरूर एक स्टार है, उसको लेकर फैन फॉलोइंग है उनकी काफी अच्छी और एक आवाज उठ रही है, लेकिन दिशा सालियान अगर गई है तो उनके माता पिता को भी दुख है, और दुखों को जब वो जाहिर कर रहे हैं तो उनके दुखों को समझना होगा, कोई
कोई भी जो टिप्पणी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दिशा सालियान को लेकर, तमाम बातें कही जा रही है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो रिलेशन में थी, आदित्य पंचोली का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है, हम महेश भट्ट के साथ लिंक जुड़ रहे हैं और एक अलग अलग नैरेटिव के साथ अलग अलग पोस्ट हो रही है सोशल मीडिया पर। इस बाबत उन्होंने एक तरीके से गुहार लगाई है, उस गुहार पर ध्यान देने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में जांच की घड़ी आगे आगे बढ़ रही है, सीबीआई जांच कर रही है। इन सबसे इतर ईडी को जो सवाल मिले थे, जवाब मिले थे रिया चक्रवर्ती से, उन जवाबों से कितनी संतुष्ट है ये आगे आने वाली जांच में पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि अभी जो जांच की प्रक्रिया है लगातार जारी है। ईडी एक तरफ जहां पूछताछ कर रही है, रिया चक्रवर्ती से पहले पूछताछ हुई, अब उनके भाई से पूछताछ हो रही है, वहीं पर महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार में तकरार और रार लगातार जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है। लगातार हम आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे गुलिस्तान न्यूज पर, लेकिन वक्त एक ब्रेक का चला है और ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।